शिवराज सेना की बैठक आर्य समाज मंदिर बख्शीपुर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के प्रमुख रितेश कुमार आला ने किया। बैठक में संगठन के यूथ ब्रिगेड छात्र परिषद का विस्तार किया गया। इस मौके पर रितेश आला ने कहा कि संगठन में अब हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, जिससे देखते हुए हम लोगों ने इन शाखाओं का गठन किया है और लोगों को दायित्व दिया गया है। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के प्रमुख रितेश कुमार आला ने कहा, बहुत लोग जैसे 15-20 बात आई है, बात आई फिर बोली कि देखिए आप तो मेरे बच्चे को बोल दीजिए सब बोलना है और आप 15 दिन बाद क्यों बुला रहे हैं उनको। हौसलों की तरफ में वो तीर जिंदा रहा, हाँ जब भले इस पर कुछ मगर जीतने की फिर से उम्मीद जिंदा रहा। इस गोरखपुर जिले की बैठक में सभी पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि शिवराज सेना छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष फिरोजा जी को नियुक्त किया गया है। शिवराज सेना यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष सूरज सिंह जी को नियुक्त किया गया है और कुछ अहम पद हैं जिनके कार्य को पद ने बदलाव लाया है। पहले सबसे पहले अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हमने शिवम मिश्रा जी को किया है। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अक्षय श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया है। महानगर प्रभारी शुभांकर पांडे जी, महानगर महामंत्री रितेश कुमार जी, और सूचना प्रसारण मंत्री राज जायसवाल जी को नियुक्त किया गया है। मेरा नाम रितेश कुमार आला, शिवराज सेना प्रमुख। आज हमने इस बैठक में कई अहम पदों की नियुक्तियाँ की। संगठन में जैसे जिस हिसाब से आज युवा जुड़ने के लिए आतुर हो उठा है, उसके हिसाब से हमने संगठन के विंग्स के भी गठन किए हैं। शिवराज सेना छात्र सभा, शिवराज सेना यूथ ब्रिगेड और आगे भी हम कई विंग्स के गठन करेंगे। इसी कड़ी को लेकर आज हमने कई पदों पर नियुक्तियाँ भी की है और कुछ पूर्व पदाधिकारी थे जिनके दायित्व को और हमने उनके मान को बढ़ाया है, क्योंकि उनके कार्य संगठन के प्रति काफ़ी निष्ठावान रूप से वो कार्य करते थे। समय समय पे संगठन के प्रति जहाँ पे लोगों को ज़रूरत पड़ती थी वो उपस्थित होते थे। इसको लेकर हम लोगों ने उनका मान बढ़ाया है, उनसे ऊपर का दायित्व दिया गया है कार्य करने के लिए। और संगठन का विस्तार गोरखपुर के अगल बगल विधानसभा में भी हम लोगों ने विस्तार कर चुका है। कई विधानसभा अध्यक्ष आज यहाँ नियुक्त भी किए गए हैं। कितने प्रांतों में संगठन है? संगठन हमारे 7 प्रांतों में भारत के और उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में संगठन काम कर रहा है। मूल उद्देश्य क्या है इसका? संगठन का मूल उद्देश्य है हिंदू धर्म को लेकर काम करना। हिंदुत्व पर उत्पीड़न के खिलाफ हम सभी लोग आवाज़ उठाएंगे और सबसे पहले हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि रहना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं भी ठेस या खरोच आएगी तो पूरी शिवराज सेना मैदान में उतर आएगी। सामाजिक कार्यों के लिए क्या है? सामाजिक कार्यों के लिए हम दबे कुचले लोग और जिनको हमारी ज़रूरत है हम उनके लिए हमेशा के लिए खड़े हैं। आगामी चुनाव में क्या अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है या किस तरह का संभावना है? समाज में तो लोगों का कहना है कि आप भी इस बार चुनाव में उतरिए, लेकिन हम अपने गुरु माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी से जो भी आदेश आएगा हम उनके आदेश का पालन करेंगे। 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है प्रदेश में, किस संगठन के साथ, किस पार्टी के साथ जोड़ के काम करेंगे आप? इस पे हमारा विचार यही रहेगा कि हमारी विचारधारा से जो मेल खाएगा हमारा समर्थन उसी को जाएगा।